नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सोशल साइंस जो आपका सब्जेक्ट है उसका पूरा कोर्स बीटीसी डीएलएड 4 सेमेस्टर का एक वीडियो में हम ऑलरेडी करा चुके हैं। पिछला वीडियो आपको यदि देखना है तो साइड में आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा इसी सोशल साइंस का। तो इसी सोशल साइंस सब्जेक्ट के आज हम देखेंगे पूरे कोर्स के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हम देखेंगे एक साथ। तो यहाँ पर जो आप प्रश्न संख्या देख रहे हैं वो भी है आपकी, तो कुल मिलाकर 94 प्रश्न हम देखेंगे। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कितने प्रश्न अभी और बाकी हैं और कितने समय तक ये वीडियो चलेगा। तो कुल 94 प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर एक से। पहला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन कब और क्यों जो है वो प्रारंभ हुआ? तो आप कहेंगे एक मुस्लिम आंदोलन था। मैंने एक ट्रिक बताई थी फर्स्ट रिविजन में, वादा, उसको याद रखिएगा, वादा फेल हो गया। तो ये आंदोलन जो है वो सर सैयद अहमद जो खां थे उन्होंने मुसलमानों में जागृति पैदा करने के लिए चलाया था। मुसलमान भी उस समय काफ़ी उखड़े हुए हुए थे, अरबी और फारसी को छोड़कर अन्य किसी भी भाषा की शिक्षा प्राप्त करना अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे, सरकारी नौकरियों से इसलिए वंचित थे। और ऐसी स्थिति में जो सर सैयद अहमद खां थे उन्होंने मुसलमानों को ऊंचा उठाने का निश्चय किया था। उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी थी और 1885 ईस्वी में उन्होंने अलीगढ़ में, ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था अलग से, अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी और यही कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो बन गया था। और इस विश्वविद्यालय ने मुसलमानों की आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति रुचि भी बढ़ाई थी। दूसरा प्रश्न है, भारतीय नवजागरण के प्रभाव, तो आप कहेंगे तर्कपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, जो बाह्य आडंबर और अंधविश्वास है उसमें कमी लाना, सामाजिक जो कुप्रथाएं उनका अंत करना और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, ये सब भावना विकसित करना। तीसरा प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्य कार्य क्या है? तो आप कहेंगे सबसे पहले तो विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड हैं उनका पुनरुत्थान करके भारतीयों के हृदय में स्वाभिमान, जो स्वाभिमान की भावना है वो उठाना या उसको जगाना। इसी प्रकार के आप कहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सराहनीय कार्य किए। 1898 में जो श्रीमती एनी बेसेंट थी उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो की थी, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ 1916 में यही कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और आप जानते हैं कितना जो है प्रसिद्ध है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अगर बात करें तो लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का गठन भी जो है वो किया। 1917 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्ष भी जो है ये चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे, उनके प्रमुख कार्य? आप कहेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार से संबंधित थे। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। ये सब जो मेन मेन पॉइंट हैं वो मैंने आपको फर्स्ट रिविजन में इसलिए कवर कर दिए थे। स्वामी जी शुद्ध वैदिक परंपरा के पक्षधर थे, उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और सत्यार्थ प्रकाश बहुत पूछी जाती है, इन्हीं की प्रसिद्ध रचना है। बाकी आप सब लिख सकते हैं, बाह्य आडंबर, अंधविश्वास, ये सारी चीजें। अगला है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन क्यों किया, भारतीयों ने इसका विरोध कैसे किया? तो आप कहेंगे दिसंबर 1898 में लॉर्ड कर्जन भारत का नया वायसराय बनकर भारत आया था और इसका सबसे घृणित कार्य था बंगाल का विभाजन। और कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था और वास्तव में बंगाल राष्ट्रीय चेतना का गढ़ था। जो लॉर्ड कर्जन था उसने हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालने के लिए बंगाल को दो भागों में विभक्त करने की योजना जो है वो बनाई थी, जिसमें से एक भाग पूर्वी प्रांत और दूसरा भाग पश्चिमी बंगाल जो है वो था। छठा प्रश्न है आपका, स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण जो मिशन है उसके प्रमुख सिद्धांतों कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद जो है इनका प्रारंभिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, ये आपसे बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ था 1863 में, कलकत्ता में जन्म हुआ था और बाकी बेसिक चीज़ें हैं। फिर आप कहेंगे 1893 में शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे, जहां इन्होंने अपने ओजस्वी वाणी में अपने विचारों सिद्धांतों को व्यक्त किया था और वहाँ उपस्थित सभी धर्म के जो लोग थे उन पर गहरा प्रभाव भी इन्हीं के कारण पड़ा था। फिर आप कहेंगे भारत लौटकर इन्होंने देश के कोने कोने में घूम घूम कर अपने विचारों के माध्यम से शिक्षित, अशिक्षित, गरीब, अमीर सभी जो वर्ग थे उनको जो है कहीं ना कहीं प्रभावित किया
और 1902 ईस्वी को भारत के इस महान दार्शनिक और चिंतक का निर्धन हो गया था 39 वर्ष की उम्र में। और सबसे मेन आपको ध्यान रखना है ये लाइन, क्या कि विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इसके माध्यम से इन्होंने जो आंदोलन है समाज सुधार धार्मिक उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और बाकी रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्य में आप वही बेसिक चीजें लिख सकते हैं। अगला है भारत में 19वीं शताब्दी में नव जागरण के किन्हीं दो कारण आपको लिखने हैं, तो एक हो जाएगा आपका पाश्चात्य साहित्य और एक आपका हो जाएगा भारतीयों का आर्थिक शोषण। हेडिंग ही हेडिंग याद रखिए। फिर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप कहेंगे समाज में व्याप्त जो अनेक बुराइयां हैं जैसे कि बाल विवाह हो गया, सती प्रथा, बलि प्रथा, इनसे संबंधित कई ऐसे प्रावधान किए गए जिसके द्वारा जो उक्त बुराई थी उन पर रोक लगाई जा सके। और आप क्या कहेंगे कि विधवा पुनर्विवाह जो है उसके पक्ष में आंदोलन चलाए गए, इसका स्पष्ट प्रभाव विधवाओं विशेषकर जो युवा विधवा हैं उनके जीवन पर भी पड़ा। तो ये सब क्या है, ये सब आपके सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़े, किसके प्रभाव पड़े, नव जागरण के। तो वही है पॉइंट, इसी प्रकार आगे भी आप लिखेंगे राजनीतिक क्षेत्र पर भी इस प्रकार से प्रभाव लिख सकते हैं। फिर है आर्य समाज और ब्रह्म समाज के मध्य तीन असमानताएं तथा दो समानताएं लिखिए। तो असमानताएं क्या है कि आर्य समाज वेद पर बल देता है, ब्रह्म समाज सभी धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर अनुमति देता है। ये आपसे अंतर भी पूछा जाएगा तब भी आप लिखेंगे, अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज पश्चिमी शिक्षा के प्रसार पर बल देता है, आर्य समाज भारतीय शिक्षा का पक्षधर है, आर्य समाज हिंदू धर्म को प्रसिद्ध देता है, ब्रह्म समाज में ऐसा नहीं है। फिर समानताएं दोनों में क्या है, तो आर्य समाज और ब्रह्म समाज दोनों ही जाति प्रथा जो है उसके विरोधी थे और साथ ही साथ दोनों ही स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन जो है वो देते थे। तो ये समानताएं हो जाएंगी, ये आपकी असमानताएं या अंतर हो जाएगा। फिर है श्रीमती एनी बेसेंट के जीवन वृत्त और कार्यों की विवेचना। तो आयरिश महिला थी, 1893 में भारत आई, भारत आकर थियोसोफिकल जो आंदोलन है उसकी नेता बनी। तो स्टार्टिंग में जो उन्होंने अपनी शक्ति थी हिंदू धर्म दर्शन कर्मकांड पूजा पद्धति सबके पुनरुत्थान में लगाई थी और कुछ कर्मकांडी भारतीयों ने प्रारंभ में उनके इस कार्य का विरोध भी किया था। फिर आपको याद रखना है कि एनी बेसेंट जो है, अच्छा ये भी चीज़ ऊपर वाली ध्यान रखिए कि संस्था जो थे उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को दे दिया था और सोसाइटी का मुख्यालय या मुख्य कार्यालय अड्यार ज्ञान का प्रमुख केंद्र बन गया था। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो की गई थी। ये सब मैंने आपको चीज़ें इसलिए बताई थी इसलिए मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बाकी वही आपका है। अगला देखते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन जो है उनके महत्व पर प्रकाश। तो आप कहेंगे ये सभी आंदोलन चलाए गए थे अलीगढ़, देवबंद, अहमदिया, वहाबी, ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वादा वाली कि वादा फेल हो गया। वा से आपका वहाबी, ए से आपका अहमदिया, डी से आपका देवबंद, ए से आपका अलीगढ़ और एफ से मतलब फेल हो गया है वो फराजी आंदोलन कर गया था। फिर है आपका मुस्लिम सुधार आंदोलन की उपलब्धियां, तो अलग अलग आप लिख सकते हैं, वही जो ऊपर पॉइंट बताया वो इसमें भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम उसी का पड़ गया था, इसी प्रकार देवबंद आंदोलन, इसी प्रकार अहमदिया आंदोलन। आप चाहें तो एक दो पॉइंट इसमें देखेंगे तो सब में वही अधिकतर लिखे हैं कि मुस्लिम जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो या आधुनिक शिक्षा के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं खोली जाएं, इस्लाम को मानवतावादी विचारों से उत्प्रोत किया जाए। तो कुल मिलाकर मुस्लिम शिक्षा से ही संबंधित था, मैंने पहले ही आपको बताया था। अगला देखते हैं वहाबी आंदोलन, तो इसमें भी आप यही देखेंगे इस्लाम धर्म का प्रचार और मुस्लिम समाज में सुधार करना। बाकी जो इनके नाम है सैयद अहमद बरेलवी वगैरह ये मैंने आपको पहले बता दिए थे। अगला 1857 ईस्वी की क्रांति का स्वरूप क्या था, क्या इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जा सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कहा जा सकता है, सैनिक विद्रोह था और क्रांति किसी संगठित योजना का परिणाम नहीं थी, राजाओं और सामान्य जो जनता है उसका सहयोग नहीं मिला था। फिर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण ये पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताए भी थे कि समय से पूर्व विद्रोह हो गया था, सैनिक सामग्री का अभाव था, कुशल नेतृत्व का अभाव, अंग्रेजों की विकसित संचार व्यवस्था, यही सब, और संचार का अभाव भी तो एक कारण में है। फिर 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के चार प्रमुख कारण आपको बताने थे। आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, मुगल बादशाह के प्रति अंग्रेजों का दुर्व्यवहार, ईस्ट इंडिया कंपनी का दोषपूर्ण शासन, यही सब लिख लेंगे। फिर आपका 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण, तो राजनीतिक कारण में लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति हो गया,
मुगल सम्राट के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का कुशासन हो जाएगा, फिर आर्थिक कारण में भारतीय उद्योग धंधों का विनाश, कृषकों का शोषण, धन का विदेश जाना, धार्मिक कारण में हिंदू और मुस्लिम धर्मों का आदर नहीं होता था, और ईसाई जो धर्मावलंबी थे उनको विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, पाश्चात्य जो शिक्षा है संस्कृति है उसका प्रसार हो रहा है, सामाजिक करण में जो सामाजिक रीति रिवाज है उसमें हस्तक्षेप हो रही है, सैनिक करण में कंपनी की भेदभावपूर्ण नीति, अफगान और कीनिया युद्धों का प्रभाव, चर्बी वाले कारतूस, आप जानते हैं गाय की चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता है था, तो भारत इसको मुंह से खोलना होता था तो भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया था। फिर आपका ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज के योगदान पर प्रकाश डालिए, तो स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, कब की थी, 1828 में की थी। फिर आप क्या कहेंगे, समाज सुधार के क्षेत्र में अलग अलग कार्य किए, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी पूरी, बीजेपी बीएससी करके वो ध्यान रखेगा, और बाकी इसमें आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतनी लंबी कथा कहानी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी यहाँ फास्ट रिविजन चल रहा है तो मैं केवल आपको हेडिंग पर ही जोड़ दूंगा। अगला है राजा राम मोहन राय के कार्य, तो सती प्रथा, वही जो पॉइंट मैंने हेडिंग बताई उसको ध्यान रखिएगा, उसी के अंदर लिख सकते हैं। फिर रामकृष्ण मिशन के जो प्रमुख शिक्षाएं थी उन पर क्या प्रकाश डालिए, तो आप कहेंगे मानवता ही सेवा, या मानवता की जो सेवा है वही ईश्वर की सच्ची पूजा है, ईश्वर अजन्मा तथा संपूर्ण संसार का नियंता है, ईश्वर को आचरण तथा चरित्र की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, मूर्ति पूजा ईश्वर की उपासना का मुख्य साधन है। फिर आर्य समाज के चार सिद्धांत बताने थे, तो आप कहेंगे ये आपको याद होने चाहिए कि जब सब सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, और सब उन सब का आदि मूल जो है वो परमेश्वर है, इसी प्रकार ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा सर्वव्यापक अजर अमर, और साथ ही साथ आप कहेंगे सृष्टि करता है और उसकी उपासना करनी चाहिए। तीसरा क्या है सिद्धांत, वेद ही सत्य और परम ज्ञान के स्रोत हैं, मैंने ट्रिक बताई थी आर्य समाज में, वे दोनों करके आपको याद होगा तो, और सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने में सर्वदा उत्तत रहना चाहिए, ये सब है। फिर आपका है आर्य समाज, स्थापना 1857 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और जो स्वामी जी थे शुद्ध वैदिक परंपरा के पक्ष पोषक थे, उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया था, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है वेदों की ओर लौटो किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। फिर कार्य वगैरह आप लिख सकते हैं। फिर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो कब प्रारंभ हुआ, तो 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ, इसके चार कारण, असफलता, कारण में आप कहेंगे क्रिप्स मिशन की असफलता, शोचनीय आर्थिक स्थिति, जापानी आक्रमण का भय, पूर्वी बंगाल में भय। असफलता के कारण क्या थे, तो सरकारी जो नेता थे और उच्च वर्ग थे उनकी वफादारी, आंदोलनकारी की तुलना में शासन की कई गुना अधिक शक्तियां थी, आंदोलन के संगठन में कमियां थी, यही सब इसके असफलता के कारण हो जाएंगे। फिर आपका है बाल गंगाधर तिलक के योगदान पर प्रकाश डालिए, आप कहेंगे जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 ईस्वी में महाराष्ट्र प्रांत के एक ब्राह्मण परिवार में, बाल गंगाधर तिलक जी का, इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की, तिलक केसरी और मराठा पत्रों के संपादक थे, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आप कहेंगे 1896 के अकाल में उन्होंने भारतीयों की उल्लेखनीय सेवा की थी, 1908 ईस्वी में उन्हें पुनः जेल की सजा भी दी गई थी, 1914 में जब वह जेल से रिहा हो गए तो उन्होंने होम रूल आंदोलन शुरू कर दिया था, तिलक की मृत्यु की बात करें तो 1920 ईस्वी में जो है वो हुई थी, और वही सारे साधन आपके आ जाएंगे, स्वदेशी भावना का प्रचार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार, शांतिपूर्वक सक्रिय विरोध, ये सब क्या है आपके बाल गंगाधर तिलक के योगदान। फिर आप कहेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में दादा भाई नौरोजी के योगदान का महत्व, तो बेसिक चीजें ध्यान रखिए, जैसे जन्म इनका 1825 में मुंबई में, और पिता एक पारसी पुरोहित, दो चार चीजें आप ये हैं, पर इन्होंने कहा भारतीयों को तीन अधिकार मिलने चाहिए, वो मेन है आपके, और ये भी इनको कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा, भारत के वृद्ध पितामह। तो बात करें भारतीयों को तीन अधिकार कौन से मिलने चाहिए, स्वराज्य पाने का अधिकार, उच्च जो सरकारी पद है उन पर अधिक से अधिक भारतीयों की नियुक्ति हो, और भारत और इंग्लैंड में न्यायपूर्ण आर्थिक संबंध हो, तो यही सब आप पॉइंट जो है इसमें लिख देंगे। अगला देखते हैं, 20 प्रश्न हो गए आपके, और वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, आपके लिए यहाँ इतनी सारी मेहनत की जा रही है तो आपका एक लाइक तो वीडियो पर
बनता ही, और जितने भी आपके छात्र हैं साथ में जो कर रहे हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के, उनके साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके और सभी लोग जो है वो जुड़ सकें। बात करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 21, 19वीं सदी के दो समाचार पत्रों का नाम लिखिए जो अब भी प्रकाशित होते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया और द स्टेट्समैन आपका हो जाएगा। फिर 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था, इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया था, तो आप कहेंगे 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में आयोजित किया गया था और इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। वन लाइनर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिर रामकृष्ण मिशन के कार्य, तो वही ऊपर जो हमने देखे तो वही है, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, मानवीय जाति की सराहना, सुधारने पर बल। फिर है, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। फिर आप कहेंगे हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, तो वही उन्नत बीज हैं या फसल की जो वृद्धि दर है वो बढ़ाना, अधिकाधिक उत्पादन हो, वही सब आप इसमें लिखेंगे। रबड़ उत्पादन, तंबाकू उत्पादन की बात करें तो रबड़ उत्पादन हेतु उच्च तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और एक वर्ष के लिए 8 से 9 महीने वर्षा होने की जरूरत होती है और वातावरण में पर्याप्त नमी और चिकनी दोमट मिट्टी जो है वो भी रबड़ उत्पादन के लिए जरूरी होती है। तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन के बाद तीसरे नंबर पे आता है और भारत में तंबाकू का प्रयोग बीड़ी सिगरेट इन सब में यूज होता है। इसकी खेती के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री तक तापमान, समतल बालू भूमि और दोमट मिट्टी और पर्याप्त मात्रा में जो उर्वरक हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोनों आपके हो जाएंगे, रबड़ उत्पादन, तंबाकू उत्पादन। अगला है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम, वर्षा, मिट्टी का उल्लेख कीजिए। तो कपास जानते हैं आप रेशेदार और साथ ही साथ औद्योगिक फसल है, बोए गए जो क्षेत्र होते हैं उनके हिसाब से भारत कपास की खेती में विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत में विश्व का 10% कपास उत्पादन होता है। भौगोलिक दशाएं की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता और ये वर्षा की आवश्यकता। मिट्टी में गहरी काली दोमट मिट्टी, उत्पादन क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। फिर भारत में चाय और कहवा के उत्पादन में वितरण और उपज की आवश्यक दशाएं, तो आप क्या कहेंगे कि चाय एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, इसकी पैदावार के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होगा, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होगी। ये सब प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र में असम हो गया, जहाँ पर देश की लगभग 50% चाय का उत्पादन अकेले होता है, बाकी फिर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ये सब आप याद रख सकते हैं। कहवा की बात करें तो कर्नाटक में आप कहेंगे 53% कहवा कर्नाटक राज्य से अकेले प्राप्त होता है, बाकी फिर केरल, तमिलनाडु, ऐसे आप याद रख सकते हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के 4 कारण बताइए। तो कपास के रूप में उपलब्ध कच्चा माल है, सूत निर्माण के लिए उपयुक्त आद्र नम जलवायु है, सुलभ रास्ते हैं, परिवहन के साधन है, तो यही सब उसके साधन में आ जाएंगे। अगला है आपका 30 नंबर, कि भारत में इंजीनियरिंग उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आप क्या कहेंगे, भारी इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग और हल्के इंजीनियरिंग उद्योग। फिर तो भारत में रसायन बनाने वाले 4 कारखानों के नाम, तो ये आपको रटे होने चाहिए, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, हर्डिलिया कंपनी या पीलियो लेफेंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला है, भारत में किन्हीं 3 राज्यों के सूती वस्त्र का वर्णन कीजिए, तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये आपके सूती वस्त्र से संबंधित राज्य हैं। लौह इस्पात के केंद्र में आप कहेंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो गया, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी हो गया और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, आपका ये 3 जो है वो लौह इस्पात के केंद्र हो जाएंगे। बाकी इसके अंदर का मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, केवल हेडिंग। फिर आपका वायुमंडलीय प्रदूषण जानते हैं आप क्या होता है, प्रकार वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण, रेडियो धर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, यही सब हो जाएंगे। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन पर टिप्पणी लिखनी है, आप सभी जानते हैं कि ये क्या सब होते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रीन हाउस जिनको नहीं पता जान लें, तो ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण होता है वायु प्रदूषण। ग्रीन हाउस प्रभाव का जो प्रमुख
कारण है वो ग्रीन हाउसेस गैसें हैं। ये गैसें होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम CFC कहते हैं, ये सभी जो है वो होती हैं। कारण क्या होते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के? तो स्वचालित वाहनों के प्रयोग से निकलने वाला जो शीशा होता है तंत्रिका तंत्र के कई रोग उत्पन्न करता है, विशेषकर फेफड़ों पर ग्रीन हाउस का प्रभाव पड़ता है। और इसी प्रकार और भी पॉइंट आप लिख सकते हैं स्वयं से बना करके कि मनुष्य के फेफड़ों में सूजन आ सकती है, नलियां बंद हो सकती हैं, ये सारी चीजें। वायु प्रदूषण तो आप जानते ही हैं, जल प्रदूषण आप सभी लोग जानते ही हैं। और जल प्रदूषण का नियंत्रण कैसा का किया जाए? तो वही है कि जो कूड़ा कचरा है नदियों में ना बहाया जाए, जानवरों को ना नहलाया जाए, वही सब बेसिक चीजें हैं। मृदा प्रदूषण भी इसी से ही संबंधित है, वो आप लिख सकते हैं। अगला 36 प्रश्न है कि MDM यानी कि मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील जो मीनू है उसका विवरण दीजिए। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार इस टाइप से शनिवार तक दिया हुआ है। ये चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं। अब ये जो पुस्तक छपी है तो तब की यहाँ पर दे रखा है, बाकी आप लेटेस्ट सर्च करके उसको याद रख सकते हैं। और बाकी आप चाहें तो एक बार इसे देख भी सकते हैं। यहाँ पर कैलोरी वगैरह की जानकारी दी गई है, जैसे कि 24 जून 2015 से सरकार द्वारा मीनू से कढ़ी चावल या खीर को हटाकर 200 ml दूध या कोफ्ता चावल की व्यवस्था की गई है। और यही सब लिखा है कि प्रतिदिन जो प्राथमिक विद्यालय उनके बच्चों को 450 किलो कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन देने की बात कही गई है, और उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए 700 किलो कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन देने की बात कही गई है। ये आपका सेकेंड सेमेस्टर जो कोर्स है उसमें ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर मैंने बताई थी। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का सामान्य परिचय है, तो आप कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशंस का नाम अमेरिका के तत्कालीन जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके द्वारा प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का जो निर्माण है वो करने हेतु बड़े राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि थे उनका सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वॉशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया था, जो कि 7 अक्टूबर 1944 तक चला था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 191 है। कार्य करने वाली कौन सी दो भाषाएं हैं? तो अंग्रेजी हो जाएगी और फ्रेंच भाषा हो जाएगी। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, इसी को शायद न्याय परिषद भी कहते हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और इसी प्रकार सचिवालय। तो ये आपके 6 आपके अंग होते हैं, इनको आपको याद रखना है। अब चाहे तो इसके अंदर का भी पढ़ सकते हैं, पर मैं अंदर का नहीं केवल हेडिंग आपको बता रहा हूँ। सुरक्षा परिषद में एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। बाकी आर्थिक सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, सचिवालय क्या जो मुख्य जब जो प्रमुख होता है वो महासचिव होता है, और इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य, तो आप कार्य में क्या कहेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका जनसंख्या आयोग जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रेरित करता है, और यातायात आयोग यातायात के नियमों सहित अन्य आवश्यक जो तथ्य हैं या दुर्घटना से बचाते हैं, इसी प्रकार दैनिक जीवन हेतु भी आवश्यक है ऐसी वस्तुओं की सहायता प्रदान करने हेतु प्रयास किया जाता है आवश्यकता पड़ने पर। तो ये सब क्या है? ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य हैं। प्रश्न को देखिए और लगभग उसके संबंध में 2 या मिनिमम 1 पॉइंट आपको रट के रखना है, बाकी चीजें आप स्वयं से बनाकर लिखेंगे। अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत के शांति प्रयास पर टिप्पणी, तो ये तो आप लिख सकते हैं। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या वृद्धि, ये भी सब थ्योरी बेस्ड है, पर जनसंख्या घनत्व मैंने फास्ट रिविजन में नहीं बताया था, इसलिए यहाँ बता देता हूँ कि जनसंख्या से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से होता है। इस प्रकार जनसंख्या का घनत्व किस देश या प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या या भूमि के अनुपात को प्रदर्शित करता है, इस कारण इसे मानव भूमि अनुपात भी कहते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आप कहेंगे यहाँ विश्व के 2.42% क्षेत्रफल पर विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अगला है जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, तो जलवायु, जन्म दर, मृत्यु दर, अशिक्षा, विवाह की अनिवार्यता, ये सब हेडिंग याद रखिएगा, ये सब आप लिख सकते हैं।
फिर नियंत्रण के उपाय, तो उसमें भी यही बेसिक चीजें हैं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम है, निर्धन व्यक्तियों को दवाइयाँ, इंजेक्शन है, देश की कृषि और औद्योगिक उत्पादन में जो है वो वृद्धि करके, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। लिंगानुपात किसे कहते हैं? 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो स्त्री पुरुष के मध्य जो संख्यात्मक अनुपात होता है उसी को हम कहते हैं लिंगानुपात। और 2011 के अनुसार ये आपका स्त्री पुरुष लिंगानुपात 943, 943 था, कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर। अगला है जलवायु मौसम की परिभाषा, तो परिभाषा से ज्यादा जरूरी है, नीचे डिफरेंस दे रखा है, इसको देख लीजिए कि किसी स्थान के वायुमंडल की दशाओं को जलवायु कहते हैं और जो वायुमंडल है उसकी अल्पकालीन दशाओं को मौसम कहते हैं। जलवायु के अंतर्गत तापमान, वायुदाब, वायु दिशा, वायुगत नमी, ये सब बात है। और जलवायु वायुमंडल की स्थितियों पर निर्भर करती है, वर्ष भर के औसत मौसम से जलवायु निर्धारित होती है। तो यही आपकी ऊपर भी डेफिनेशन भी लिखी हुई है अलग अलग, तो आपको ये तो जरूर रटी होनी चाहिए कि डिफरेंस पूछा जाए तो आप लिख ले जाएं। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? स्थिति होता है, पवनों की दिशा होता है, समुद्री दिशा होता है, भूमध्य रेखा से दूरी होता है, यही सब। तो ये सब जो है वो जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगला है आपका, भारत में मैग्नीज के विभिन्न क्षेत्र हैं, तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र। अभ्रक का क्या महत्व है? तो विश्व के अभ्रक उत्पादक देशों में भारत का प्रथम स्थान है। उपयोग इसका होता है ताप और विद्युत का कुचालक होने के कारण विद्युत उपकरणों में यूज जो है वो होता है। अभ्रक के दो उपयोग, रबड़ और प्लास्टिक उद्योग में, वार्निश और पेंट बनाने में यूज होता है। बॉक्साइट की उपयोगिता क्या है? तो एल्यूमिनियम बनाने में यूज किया जाता है। और ये एक आपका अयस्क होता है, इसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का तेल साफ करने, सीमेंट और रासायनिक पदार्थ बनाने सब में किया जाता है। फिर आप कहेंगे लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, लैटेराइट। तो ये सभी, ये लैटेराइट लिखा हुआ है, तो ये सभी क्या है? लौह अयस्क जो है उसके प्रकार हो जाएंगे। ये सब आपके विज्ञान में कोर्स है कि कैसे आप अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं, उसकी क्या पूरी प्रक्रिया होती है, तो वही सब तो यहाँ लिखा हुआ है। फिर है लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र जो है उनका वर्णन कीजिए, तो गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर आप जो सबसे ज्यादा प्रमुख आते हैं उनके एक दो नाम ध्यान रखिए, सभी आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का क्या तात्पर्य है? कोई दो खनिज का विवरण लिखिए, तो आप कहेंगे भारत में जो बॉक्साइड है उसका वितरण अलग अलग है, मैग्नीज का वितरण अलग अलग है, और जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये छोटी सी डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका, भारत का मानचित्र बनाकर निम्नलिखित स्थानों के नाम सहित अंकित कीजिए। तो चौरी चौरा हो गया, अमृतसर हो गया, चंपारण हो गया, इलाहाबाद हो गया। तो इसमें लिखा है छात्र अध्यापक स्वयं से करें, तो ये चारों ही चीज़ें मैंने आपको बताई तो कर सकते हैं, BTC 2016 में आया था। मौसम जलवायु में अंतर मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे। मौसम समय समय पर स्थान स्थान पर परिवर्तित होता है, लगभग जलवायु लगभग स्थायी रहती है। एक स्थान पर प्रातः का मौसम कुछ और हो सकता है, दोपहर का व शाम का कुछ और हो सकता है, पर जलवायु एक स्थान पर लगभग एक ही जैसी रहती है। तापक्रम, वर्षा, हवाएं आदि मिलकर मौसम की रचना करते हैं। इन्हीं तत्वों कि लघु काल की जो स्थितियों से मौसम कहते हैं, और जलवायु जो है वो तापमान और वर्षा आदि कारकों पर निर्भर करती है, और उन तत्वों का वर्ष भर अध्ययन करके सामान्य स्थिति को निकाल दिया जाता है, और जलवायु और मौसम के तत्व समान हैं। तो ये चार ही अंतर दिए हुए हैं, अब इनको ध्यान रखिएगा। अगला है प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खनिज संपदाएं कौन कौन सी हैं? तो आप कहेंगे जैसे कि चूना पत्थर हो गया आपका, डोलोमाइट हो गया, तो इन लगभग एक दो पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। चूना पत्थर जो है वो मिर्जापुर जिले में विंध्याचल क्षेत्र में स्थित है, और बाकी डिटेल में भी देख सकते हैं, पर मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ। डोलोमाइट की बात करें तो ये खनिज मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र और कुछ मात्रा में बांदा जिले में भी प्रयोग होता है। फिर है आपका, आयात निर्यात के संदर्भ में क्या आप समझते हैं? तो आयात मतलब आप कहेंगे कि वस्तुएं आती हैं जब बाहर से मंगाई जाती हैं, दूसरे देश से मंगाते हैं तो आयात होता है, और जिन चीज़ों को हम विदेश को भेजते हैं उन्हें हम निर्यात कहते हैं। तो आयातित वस्तु में ये सब चीज़ें हैं, देख लीजिए, पेट्रोलियम हो गया, उत्पाद हो गया, खाद्य तेल है, मशीनरी है। और निर्यातित वस्तु में तम्बाकू, मछली, चाय, कॉफ़ी, चीनी, काजू, मूंगफली, ये सब यहाँ से बाहर जाती हैं, चमड़े की वस्तुएं हैं।
फिर अगला है आपका विदेश व्यापार, वगैरह आप लिख सकते हैं सांस्कृतिक विरासत। तो सांस्कृतिक विरासत आप जानते ही हैं, जो विभिन्न प्रकार की इमारत हैं, पर इससे संबंधित कुछ सन जो है वो याद रखिए। जैसे कि आपका सबसे पहला यही लिखा हुआ है, पुरातत्व विभाग की स्थापना तो 1951 में लखनऊ में हुई थी, ये एक सन ध्यान रखिएगा। और आपका चाहे तो आप ये जो अधिनियम सूचना जारी वाला है ये भी सन याद रख सकते हैं, पर इम्पोर्टेंट आपका यही है, 1951 में लखनऊ में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। फिर आपका गैर सरकारी संगठन से आपका क्या आशय है, आप कहेंगे गैर सरकारी संगठन ऐसे व्यक्तिगत जो संगठन है उनको कहा जाता है जो बिना लाभ के धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, लोकोपकारी, तकनीकी अथवा आर्थिक उद्देश्यों जो है उनसे गठित होते हैं। ऐसे संगठन में ना तो कोई सरकारी करार होता है और ना ही वे प्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ सहभागिता करते हैं। इनका योगदान तो स्वास्थ्य संबंधी कार्य में आता है, शिक्षा संबंधी कार्य में आता है। यहाँ पर ये भी देख रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी में यूनिसेफ जो है, जिसमें यूनिसेफ का नाम प्रमुख है। शिक्षा संबंधी में यूनेस्को निभा रही है अपनी दायित्व। खाद्य और कृषि विकास संबंधी कार्य में FAO, मैंने बताया था ना, खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना जो प्रमुख भूमिका है वो निभा रही है। जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी, तो परिवार कल्याण संबंधित चिकित्सा सेवाएं, पुनर्जनन योग्य बनाने वाली सेवाएं, इसी प्रकार लड़के लड़कियों की विवाह आयु 21 व 18 करना, और यही सब आप पॉइंट बेसिक हैं जो लिख सकते हैं। फिर है आपका ब्रह्म समाज की सामाजिक और धार्मिक उपलब्धियों का वर्णन, तो आप कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है, निराकार है, एक है, ईश्वर उसे जो है उसका पूजा का अधिकार सभी को है, बच्चे हृदय से उसकी प्रार्थना करने से वह प्रसन्न होता है। तो ये सब ब्रह्म समाज की सामाजिक और धार्मिक उपलब्धियों में लिखा हुआ है कि आत्मा अजर है, अमर है, मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को त्याग कर मानवतावादी सिद्धांत को अपनाना चाहिए। फिर आपका असहयोग आंदोलन के स्वरूप और कारणों पर प्रकाश, तो यह आंदोलन जो है आप कहेंगे पहली बार संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया गया था। इसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ गिने चुने लोगों को ही नहीं अपितु तो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, और आंदोलन ने देश के कोने कोने में अपना प्रभाव जो है वो डाला था। कारण क्या था इसका कि अंग्रेजों की भ्रांत जो धारणा थी उसको तोड़ना, कि भारतीय जो है उनमें राजनीतिक चेतना का अभाव है। फिर आपका संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व शांति के लिए स्थापित किए जाने वाले जो प्रयास हैं वो आप वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉइंट लिख सकते हैं। फिर हिमालय पर्वत की भौतिक विशेषताएं क्या हैं ऊंचाई के संदर्भ में, जैसे 8,850 मीटर, उसमें कौन कौन से पर्वत हैं, पटनी सब आप लिख सकते हैं, और उसकी पर्टिकुलर स्थिति कौन सी है वो सारी चीजें। अगला है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, तो आप कहेंगे मृत्यु दर में कमी हो गया। ये हेडिंग याद रखिएगा, जनसंख्या से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो वो यहाँ पर हर जगह से आप यूज कर सकते हैं। मृत्यु दर में कमी हो गया, ऊंची जनदर हो गया, बाल विवाह हो गया, गर्म जलवायु है, धार्मिक कारण है, निम्न जीवन स्तर है, तो ये सभी पॉइंट हो जाएंगे। अगला है आपका खनन का क्या अर्थ होता है, तो खनन आप जानते हैं भूगर्भ से जब चीजें निकाली जाती हैं वही खनिजों को बाहर निकालना खनन होता है, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया। आतंकवाद क्या है जानते हैं, आतंकवाद वह विचारधारा है, कार्य पद्धति जिसके अंतर्गत एक समूह या संगठन द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनहित तथा राष्ट्रीय हित का तनिक भी ख्याल ना करते हुए हिंसक धमकी का सहारा लिया जाता है, वही सारी चीजें। अटल बिहारी वाजपेयी के अनुसार लिखा है कि आतंकवाद केवल भारत के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए गंभीर समस्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय चरित्र का है और निकट भविष्य में खत्म होने वाला नहीं है। आतंकवाद के मुख्य बिंदु ये सब हो जाएंगे, राज्य या समाज के विरुद्ध होता है, राजनैतिक उद्देश्य होता है, अवैध और गैर कानूनी होता है, ये सारे पॉइंट। अगला है आपका भारतीय खाद्य निगम पर प्रकाश डालिए, तो स्थापना हुई थी 1964 में, इसका उद्देश्य था, उद्देश्य से पहले आपको याद रखना है प्रधान कार्यालय तो नई दिल्ली में है, और स्थापना के जो उद्देश्य हैं वो आपके हैं किसानों के हितों की रक्षा करना, सार्वजनिक जो खाद्य वितरण है उसके लिए पूरा अपना योगदान देना, और परिचालन सुनिश्चित करने और बाजार स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाए रखना, तो वो आप लिख सकते हैं। फिर आपका नागरिक सुरक्षा संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं, तो आप कहेंगे तो इसमें आप उद्देश्य लिख सकते हैं नागरिक सुरक्षा संगठन के, कि हवाई आक्रमण से जनधन की हानि को कम करना, जनता के मनोबल को बनाए रखना,
शांति काल में जो अधिकारी हैं स्वयं सेवक हैं उनको प्रशिक्षित करना, ये सब आप हैं। बेरोजगारी से आप आशय क्या है? उस स्थिति से जिसमें एक व्यक्ति को काम करने की इच्छा रखने और जीविका कमाने के प्रयत्न करने पर भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता है, ये डेफिनेशन है। उपाय क्या है बेरोजगारी दूर करने के? तो शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए, रोजगार कार्यालयों की स्थापना की जाए और निर्माण कार्यों में वृद्धि हो, यातायात, शिक्षा, ये सारी चीज़ें विस्तार हो, और बेसिक चीज़ें लिख सकते हैं। फिर आपका है कि इन पॉइंट पर टिप्पणी लिखना है, सांप्रदायिकता, जातिवाद, गरीबी, साक्षरता दर, आतंकवाद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, विविधता में एकता। तो ये तो सब हम देख चुके हैं। सांप्रदायिकता हमने नहीं देखी, इसको देख लीजिए कि सांप्रदायिकता एक संकीर्ण मनोभाव है जो कि एक धर्म या संप्रदाय के लोगों में अपने आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु पाई जाती है। तो ये तो आपका यही पहली लाइन से दोनों मतलब निकल रहा है, इसी को आप लिख सकते हैं। जातिवाद वगैरह, जाति पर आधारित पर गरीबी, साक्षरता दर, आतंकवाद, ये सब मैंने बता दिया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आशय और ऐसी प्रणाली से होता है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का वितरण इस प्रकार से किया जाए जिससे सभी उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर वस्तु प्राप्त हो। सुधार के उपाय ये सभी होते हैं, वस्तुओं की निरंतर पूर्ति सुनिश्चित करना, पर्याप्त जो मात्रा है उसमें वस्तुओं के बफर स्टॉक का निर्माण करना, ये सब पॉइंट हो जाएंगे। अगला, राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? तो आप कहेंगे कि राष्ट्रीय एकता एक नैतिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणा है और उसी को लेकर लिखा हुआ है कि अविविधता की सुझाव इसमें क्या दिए गए हैं कि संविधान जो है उसके द्वारा एक नागरिकता तथा राष्ट्रभाषा की व्यवस्था की गई है, एक राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान की व्यवस्था की गई, ये सब पॉइंट हैं। अगला है राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व, तो सांप्रदायिकतावाद, जातिवाद जो ऊपर पॉइंट देंगे वो आप लिख देंगे। अनुसूचित जाति का अर्थ क्या है? तो ये सब तो आप बेसिक देखते ही हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था, तो अनुच्छेद 17 में अपृश्यता का अंत की बात की गई है। नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था इसी प्रकार हो जाएगा। शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था, निःशुल्क आवास, ये सब क्या है? ये सब अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए ये सब जो विशेष कार्य किए जाते हैं, विशेष व्यवस्था की जाती है, वही लिखा हुआ है कि उन्हें निःशुल्क आवास प्रदान किया जा रहा है, निःशुल्क चिकित्सा है, छात्रवृत्ति की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें। फिर आपका विकासशील देशों में साक्षरता दर की कमी का रीजन क्या है? तो आप क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि। फिर कहेंगे गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है? तो आप कहेंगे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया जाए, शांति व्यवस्था हेतु प्रयास किया जाए, यही सब है। और गुटनिरपेक्षता आंदोलन का प्रथम सम्मेलन जो है वो 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। अगला है आपका पंचशील से आपका क्या अभिप्राय है? तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 20 जून 1954 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, इनके बीच आपसी बातचीत के तरह आया था पंचशील सिद्धांत। और ये 5 पॉइंट थे, मैंने पूरा आपको डिटेल में रटा भी दिया था। सर्वोच्चता, अखंडता और इन सब का सम्मान करना, आक्रमण ना करना, हस्तक्षेप ना करना, परस्पर सहयोग, सहअस्तित्व की भावना, ये सारी चीज़ें। फिर भारत सरकार द्वारा चलाई गई जा रही स्वरोजगार योजना कौन कौन सी है? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, ऐसे मैंने 5-6 बताई थी, उनको ध्यान रखिएगा। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र होता है देश की कुल जनसंख्या बटे देश का कुल क्षेत्रफल। भारत में कितने परसेंट लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं? 29.8% आपका हो जाएगा। जन्म दर मृत्यु दर में क्या अंतर है? तो प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या जन्म दर कहलाती है, और किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष विशेष में एक वर्ष की अवधि में प्रति हजार जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। फिर आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 2 उद्देश्य, तो आप कहेंगे खाद्यान्न के प्राथमिक उत्पादों को, उत्पादक जो है उनको उनकी उपज की उचित कीमत प्रदान करना, और सारे देश में सरकारी नियंत्रण वाले जो केंद्र हैं उचित मूल्यों की दुकानों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाना। तो ये केवल और केवल 2 उद्देश्य हैं, ताकि लति लघु में आए तो प्रश्न आप लिख ले जाएं। बेरोजगारी का रीजन बता चुके हैं, आतंकवादी घटनाएं बता चुके हैं, गरीबी देखा दूर, गरीबी दूर करने के लिए भारत में कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आप नाम ध्यान रख सकते हैं। फिर आपका 84 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता बहादुर शाह जफर को क्यों घोषित किया गया था? 4 कारण यहाँ पर लिखने हैं। तो आप कहेंगे कि हमारे देश का जो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसका दरबार 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया था,
और संघर्ष प्रारंभ होने के बाद स्वतंत्रता संग्राम के जो सैनिक थे वो मेरठ से 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए और इस अंतिम मुगल सम्राट को अपना नेता जो है वो स्वीकार कर लिया। तो यही पूछा गया था क्यों किया गया और बाकी चीज़ें आप इसमें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं। अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन दोनों ही हमने देख लिए। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, सन ध्यान रखना है, किसके द्वारा दिया गया और मुस्लिम समाज सुधार से संबंधित है ये चीज़। देवबंद आंदोलन 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात इस संदर्भ में देवबंद आंदोलन जो है वो चलाया गया था एक मुस्लिम उलेमा, जो प्राचीन मुस्लिम ये सब मैंने बता दिया, वही सब इसमें लिखा है। फिर भारतीय पुनर्जागरण अथवा नवजागरण तो मैंने ऊपर प्रश्न कराया था, नाम इसमें जरूर ध्यान रखिए सारे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, सर सैयद अहमद का साइंटिफिक सोसाइटी जिसे हम विज्ञान समिति भी कहते हैं, इसी प्रकार आपका दादा भाई नौरोजी जो है पारसी सुधार आंदोलन, ज्योतिबा फूले मैंने आपको सत्य शोधक समाज पहले भी बताया था, इसी प्रकार आपका एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी, पंडिता रमाबाई सरस्वती शारदा सदन, ये जितने भी आप नाम देख रहे हैं इनको जरूर याद रखिएगा। हो सकता हो यहीं से डायरेक्ट आपसे बहुविकल्पी में प्रश्न या अति लघु में प्रश्न पूछ लिया जाए। अगला है आपका 1857 की स्वतंत्रता, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किए गए हैं। तो प्रयास में आपके अलग अलग लोग द्वारा किए गए हैं, वही इसमें लिखे हैं कि महाराष्ट्र में 1879 में वासुदेव बलवंत बुड़के ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र आंदोलन चलाया। सतारा में नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने सैनिकों को संगठित कर बादामी के लिए प्राधिकार कर लिया, वह सब आप लिख सकते हैं। फिर आपका 88 प्रश्न है धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में किन्हीं दो के विषय में, तो ब्रह्म समाज, थियोसोफिकल मुस्लिम धार्मिक आंदोलन, प्रार्थना समाज, चारों ही मैंने आपको बता दिए। अगला है आपका बंग भंग, मैंने आपको बता दिया, चौरी चौरा कांड भी मैंने बता चुका हूँ, बारदौली और सत्याग्रह भी बता दिया। चौरी चौरा कांड को एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहाँ 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारी ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। मैंने सारी चीज़ें बताई थी आपको कि कौन कैसे जुड़ी हुई हैं फास्ट रिविज़न वाले वीडियो में। अगला है बारदौली सत्याग्रह, तो स्वाधीनता संग्राम के समय वर्ष 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। ये एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका जो नेतृत्व है वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था और ये आंदोलन गुजरात राज्य में हुआ था और इस आंदोलन के सफल होने के लिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी गई थी। अगला लंबे प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व, तो ये आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें पॉइंट नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधे कौन कौन से हैं, तो देश में चीनी उत्पादन में, यहाँ पर चीनी होगा, चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। चीनी की 109 मिलें हैं, भारत का लगभग 30% चीनी उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है और चीनी की जो मिलें हैं वो गोरखपुर, देवरिया, कानपुर, ये सब आप याद रख सकते हैं। सूती वस्त्र में अगर बात करें और गुड़ उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। फिर बात करते हैं सूती वस्त्र की, तो उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है। यहाँ सूती जो वस्त्र है उसकी 68 मिलें हैं, कानपुर, आगरा, कानपुर में आप देख रहे हैं लगभग सभी मिले आ रही हैं। फिर आप कहेंगे आपका ऊनी वस्त्र उद्योग, इसमें अगर बात करें तो कानपुर प्रमुख केंद्र है और यहाँ की लाल इमली मिल प्रसिद्ध है। दिया सलाई उद्योग की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख केंद्र बरेली है। चमड़ा उद्योग की बात करें तो इसका प्रमुख केंद्र कानपुर नगर है। कागज उद्योग आपका सहारनपुर, कानपुर, इसी प्रकार कांच उद्योग की बात करें तो इसमें भी आप कहेंगे इलाहाबाद, फैजाबाद के अतिरिक्त जो है वो बहजे हुई नैनी। इसी प्रकार आपका एल्यूमिनियम उद्योग में जो है वो मिर्जापुर जिले में सबसे ज़्यादा घाट प्रसिद्ध है। रासायनिक उद्योग में आप कहेंगे तो मुख्य रूप से जो आपके यहाँ पर राज्य लिखे हुए हैं उत्तर प्रदेश में गंधक का तेजाब बायोसल्फाइड बनाने का कारखाना कानपुर में सोडा कानपुर में है और सोडा आयस और अमोनियम क्लोराइड बनाने का कारखाना वाराणसी में है, कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में, ये सारे पॉइंट। स्प्रिट और शराब उद्योग में गाजियाबाद, उन्नाव, लखनऊ। साबुन उद्योग में भी इसी प्रकार कानपुर, आगरा, देख रहे हैं कानपुर हर जगह है, यदि आपको नहीं भी आ रहा हो तो कानपुर आप लिख सकते हैं। खाद्य तेल उद्योग में भी इसी प्रकार कानपुर वगैरह है। सीमेंट उद्योग में भी आपका सोनभद्र, मिर्जापुर, ये सभी। कृषि
यंत्र निर्माण में आपका अलीगढ़ लखनऊ ये सभी हैं, साइकिल उद्योग में भी इसी प्रकार कानपुर लखनऊ, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भी इसी प्रकार, तो आप लिख सकते हैं लगभग लगभग ऐसे ही सभी में नाम है। अगला है आपका 92 प्रश्न, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रमुख शक्ति के साधन बताइए। तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र हो जाएगा, सिंगरौली कोयला क्षेत्र हो जाएगा, मिर्जापुर लोहा उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा। 93 प्रश्न है आपका, अपने प्रदेश के प्रमुख त्यौहार और तीर्थ स्थानों का वर्णन, तो ये तो आप लिख ही सकते हैं कौन से त्यौहार और तीर्थ स्थान होते हैं। और अगला जो है ये आपका लास्ट प्रश्न होगा, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार मैं आगे भी आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो ना मिस हो। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न देखते हैं आपका 94, भारत में जनगणना कब से प्रारंभ हुई? तो 1872 से प्रारंभ हुई। महत्व क्या है जनगणना के? तो समाजशास्त्री महत्व होते हैं जिसमें समाज पर आधारित हैं, मृत्यु दर जन दर ये सारी चीज़ें। अर्थशास्त्री महत्व इसी प्रकार आप लिख सकते हैं अलग अलग कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में। राजनीतिक महत्व की बात करें तो राजनीतिक स्तर से आपके सारे पॉइंट हो जाएंगे इसमें। तो बस यही मेन तीन आधार जो है वो दिए थे। पूरा आपके जितने भी कोर्स में प्रश्न दे रखे थे सभी हमने समाप्त कर दिए। तो अब पूछते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न जो है वो हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ लिख देते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, रोलेट एक्ट से संबंधित। आपको बताना है कि रोलेट एक्ट जो है ये जो है वो कब लागू हुआ था, इसका सन जो है ईयर आपको बताना है वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, अब तो लास्ट आपका रिवीजन है तो आपको ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो लोगों के कमेंट देखिए और नेट पे सर्च कीजिए और वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइए। तो इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।